Hello, I am Harim Sir. Welcome all of students on my YouTube channel Harim Sir Chemistry Tips. Board ke sabhi students, this is Danny, class 12th, UP Board or CBSE. Aaj hum complete organic chemistry ke part number 18 mein, aapke jo last unit hai, wo hai amines. Amines ki baat hai abhi fourth unit. Aapka first humne hello alkane, hello haloarenes karaya. सेकेंड एल्कोहल फिनोल ईथर कराया, थर्ड आपका एल्डिहाइड और कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कराया, फोर्थ आपका एमीन्स है. एमीन्स में से न्यू सिलेबस में से डाइजोनियम साल्ट को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया. लेकिन ध्यान रखिए, हम डाइजोनियम साल्ट को इस यूनिट में आपको समझाएंगे, क्योंकि बोर्ड के लिए आप उसे भले फोकस न करें लेकिन उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, और क्योंकि वो कन्वर्जन में बहुत बड़ी हेल्प. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास एमीन्स. एमीन्स में जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो आरएनएस टू होता है. यहाँ रखिए, एमीन्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आरएनएस टू है. और यहाँ जो हम स्टडी करेंगे, सिलेबस में आपको बताएंगे, तो सबसे पहले कि जो एमीन्स है इसका डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. एमीन्स क्या है? मोस्टली डेरिवेटिव्स ऑफ NH3 होती है. डेरिवेटिव्स ऑफ NH3, यानी NH3 का जो डेरिवेटिव्स है, हम इसे कैसे समझ सकते हैं? आप देखिए, हमने यहाँ फर्स्ट स्टार्ट किया NH3, फिर इसके वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को लेस करके वन मिथाइल ग्रुप ऐड किया, और नेक्स्ट जो आप जो है फिर हाइड्रोजन को यहाँ से रिसीव कर देंगे NH, यहाँ CH3 CH3 ये चीज यहाँ पर. और इसके बाद इसमें हम जरूरी नहीं है कि मिथाइल ग्रुप करें, और भी ग्रुप फिनाइल ग्रुप भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं. इस तरह से हम NH और ये CH3 ग्रुप इस तरह से दिखा सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि एमीन क्या है? अमोनिया का ही डेरिवेटिव. देख लीजिए एग्जाम्पलों में, आपको क्लियर हो जाएगा. दिस इज एंड दिस इज एंड दिस इज. क्लियर हो गया? अब हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस यूनिट के बेस पर क्लासिफिकेशन किया था, तो इसमें अगला जो टॉपिक होगा डेरिवेटिव्स के बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, यानी सेम पैटर्न वही रखेंगे जो हमने पुराने सिस्टम में किया है. एमीन्स में जो हमारा सिस्टम आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स. देखिए, यहां पर क्लासिफिकेशन हम करेंगे. देखिए, CH3NH2, ये यहां N जो है वन कार्बन से अटैच हो रहा है इसलिए 1 डिग्री, और प्राइमरी एमीन के नाम से इसे जाना जाएगा. इसके अलावा हम यहां क्या करेंगे कि CH3 और ये NH हो जाएगा यहां CH3. अब नाइट्रोजन क्या है? इससे और इससे 2 से अटैच हो रहा है इसीलिए इसे 2 डिग्री, और सेकेंडरी एमीन के नाम से इसे जाना जाएगा. बात समझ में आ गई? इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर CH3 एंड यहाँ CH3 और CH3 ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री, और टर्शरी एमीन के नाम से इसे जाना जाएगा. इस तरह से हमने इसका क्लासिफिकेशन आपकी समझ में आना चाहिए. 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड जस्ट 3 डिग्री. देख लीजिए, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये क्लासिफिकेशन है. तो हमने आपको बताया होगा अन्य यूनिट जो हमने थर्ड यूनिट कराया कि सबसे पहले डेरिवेटिव्स बताए, क्लासिफिकेशन बताया, उसके बाद आती है इसकी प्रिपरेशन मेथड. तो इसको आप रेज करते हैं, देख लीजिए. क्लासिफिकेशन के बाद
हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड को हमें समझना है कि कैसे हम जो है उसको बना सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड क्या है? देखिए, जितने भी आपके नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं, नाइट्रो कंपाउंड का हम क्या कर दें, रिडक्शन कर दें। रिडक्शन करने पर हमको जो प्राप्त होगा वो एमीन्स प्राप्त होगी। तो नाइट्रो कंपाउंड आप ले लेंगे, मैं नाइट्रोबेंजीन यहाँ ले देता हूँ, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है NO2, और इसका हम रिडक्शन करा देते हैं द प्रेजेंस ऑफ PD यानी पैलेडियम की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमको ये एमीन प्राप्त। इसके अलावा भी और भी है इसका, इसको हम जो इसका रिडक्शन यदि ऐसे HCl की प्रेजेंस में कराएं, टिन और HCl की प्रेजेंस में कराएं, या FeHCl की प्रेजेंस में कराएं, तो भी हमें एमीन मिल जाता। क्लियर हो गया। अगला इसमें और सेकंड मेथड है रिडक्शन बेस पर ही है वो भी, यानी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स जो होते हैं आप ध्यान रखिए एल्के नाइट्राइल यानी जो RCN होते हैं उनको हम नाइट्राइल के नाम से जानते हैं। इसका हम रिडक्शन करें नाइट्राइल का इन प्रेजेंस में जो है RCN, इसका हम रिडक्शन करा दें। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद रखिए ये हम पहले रिड्यूसिंग एजेंट बता चुके हैं कि हम किसी भी PD का इनका जो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं और हम जो है किसी भी कंपाउंड को रिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता RCN, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और 1 डिग्री एमीन हमें यहाँ मिलता है। देख लीजिए आप अच्छी तरह से, आगे प्रिपरेशन मेथड की सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, एमाइड्स का हम रिडक्शन करा दें तो हमें एमीन प्राप्त होती है। बस हमें रिड्यूसिंग एजेंट उसी का प्रयोग करना है। एमाइड्स होता है C(NH2), इसका हम रिडक्शन करा दें और वो भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H4 की प्रेजेंस में करा दें। इसमें आप जो है सेकेंड हाइड्रोक्स H2, तो हमारे पास जो मिल जाता है RCH2NH2 प्राप्त होता है। देख लीजिए 1 डिग्री एमी। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन के थ्रू हम एमीन प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन है, याद रखिए नेम रिएक्शन है, और इसके द्वारा 1 डिग्री एमीन हमको मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका यूज मोस्टली कन्वर्जन में तब किया जाता है जब हमको कार्बन नंबर डिक्रीज करने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होता क्या है कि हम इसमें एमाइड लेते हैं RCONH2 और प्लस Br2O2H
ये रिएक्ट करके हमारे पास RCH2NH2 यानी कि प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है RNH2। ध्यान रखिए यहाँ आप देखें तो यहाँ 2 कार्बन नंबर होता है और ये 1 कार्बन नंबर में जो हमको प्राप्त होती है, ये कार्बन नंबर की नंबरिंग को डिक्रीज करने की प्रोसेस है हाफ में ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिससे हम 1 डिग्री एमीन मिलती है। और सबसे खास बात, स्पेशल बात इसमें, इसमें कार्बन नंबर डिक्रीज होता है, देख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। हम जो सीक्वेंस चला रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन्स, इसी में आगे चलते हैं। अब क्या है कि अब तक हमने 1 डिग्री, अब 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे मिलेगा, वो चीज और हमें समझ लेते हैं कि अब तक हम जो पढ़ रहे हैं 1 डिग्री एमीन बना रहे हैं। अब प्रिपरेशन मेथड ऐसे भी बताएं जिसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन हमें मिलता। देखिए अमोनिया NH3, आप जानते हैं NH3 हाइड्रोजन से कॉम्बिनेट हो जाती है तो उसके पास ये पेयर बचता है जो अनबॉन्डेड होता है। 3-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, 3 बॉन्डेड हो जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, 2 जो है यह पेयर बचा हुआ है, देखिए आप ध्यान से। और इस पर CH3Cl मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसमें ये जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास CH3NH2 इसमें से, और ये रिप्लेस होकर HCl का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यानी यहां से ये परफेक्ट कर जाएगा, या तो होगा एच से रिएक्ट करके माइनस। अब इसी चीज को हम इस पर CH3NH2 पर हम दिखाएं, यानी CH3NH2 बना है, हम इसी पर जो है आगे यहां CH3Cl की रिएक्शन कराते हैं तो वही शेष होगा कि ये यहां आ जाएगा ये चीज, ये तो हमारे पास CH3 और माइनस HCl आउट हो जाएगा। ये आप देखिए, ये आपका 2 डिग्री एमीन बन जाता है और इसी पर पुनः हम CH3Cl की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, माइनस HCl निकल के फिर वही CH3 और ये CH3, ये आपका 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। इस तरह से हम आज इस क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया टू गिव्स एमीन्स एंड लाइक इज द प्रिपरेशन, फुल प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्राइमरी एमीन एंड जस्ट सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। देख लीजिए आप अच्छी तरह से, हमने एमीन की प्रिपरेशन मेथड को कम्प्लीटली बता दिया है और CBSE 12th क्लास में बोर्ड में ऑलरेडी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब जो हम इसमें स्टार्ट करते हैं, देखिए क्लियर हो गया, देख लें क्लियर। अब हम अगला जो स्टेप लेके आएंगे, केमिकल एक्शन ऑफ एमीन्स, तो इसे अगली वीडियो में बताएंगे, तब तक थैंक यू, नमस्कार।